नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा में आंगनवाड़ी भवन न होने के कारण विगत कई वर्षों से आज तक कभी इस मकान में तो कभी उस मकान में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो पीपलखेड़ा सब्जी बाजार स्थित गंदी नाली से लगे हुए एक मकान में 10 से 10 किराए के मकान में आंगनवाड़ी संचालित हो रहा है। गंदी नाली होने से बच्चों एवं स्टाफ को वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। वहीं गंदगी होने के कारण मच्छरों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। वहीं पास में अनुपयोगी प्लाट होने एवं प्रतिबंधित नहीं होने से कचरे ढेर लगे रहते हैं, जिस पर आवारा पशु जमावड़ा लगा रहता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग की बात की जाए तो घोषणाएं एवं योजनाएं पिटारा मात्र फाइल तक ही सीमित नजर आता है। इन सारी समस्याओं को लेकर हमने आंगनवाड़ी केंद्र के संचालिका राजकुमारी वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग को समस्या से कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी है और आंगनवाड़ी केंद्र किराए में मकान में संचालित हो रहा है। जगह कम होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पास में गंदी नाली होने से बदबू का सामना स्टाफ एवं बच्चों को करना पड़ता है। हमारी विभाग से मांग है कि आंगनवाड़ी केंद्र के लिए नए भवन का निर्माण करा दिया जाए, जिससे सारी समस्या का हल हो सके। पीपलखेड़ा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। नमस्ते जी, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मैं राजकुमारी वर्मा है। मैं पीपलखेड़ा कला से हूँ। मेरे को आंगनवाड़ी लगाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जगह जगह किराए से ली समस्याएँ होती हैं। ग्राम सभा में भी एक दो बार एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। आपने अधिकारियों को बताया नहीं? बताया, सुपरवाइजर को बताया जी। तो बोली ग्राम सभा में एप्लीकेशन देना आप। किसको बताया? अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।